दादा सामने ओके सैल्यूट किया ये फिल्म में हम लोगों ने ऑलरेडी शूटिंग की हुई है। इस फिल्म का नाम है वर्किंग टाइटल रहम दिल कातिल है, चेंज भी हो सकता है। और मुकेश जी और सिराज भाई इसके प्रोड्यूसर हैं, संदीप दादा इसके डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म में बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रिलर है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सस्पेंस थ्रिलर है। गाने भी बहुत अच्छे हैं, ये पांचवें गाने की रिकॉर्डिंग आज हो रही है। तो इस फिल्म को मेरे ख्याल इसी साल के एंड तक रिलीज़ हो जाएगी ये पिक्चर, उसी के लिए आए हैं, इसलिए सब बहुत ख़ास दिन है। वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन दैट आई प्ले अ मल्टीमिलियनेयर और इट्स नॉट अ नॉर्मल नेगेटिव गाय। और फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। फिल्म का मतलब बैकबोन मेरा ही किरदार है पिक्चर, तो इसलिए मैंने किया। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। और मैं आजकल जितने भी रोल्स कर रहा हूँ, अभी एक मैंने एक फिल्म की मी टू मैं भी, जिसके शावर और इमरान प्रोड्यूसर है, उसमें मैं एक ड्रंक लॉयर का मैंने रोल किया। और फिल्मों में अलग तरह तरह के किरदार कर रहा हूँ, तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग रोल है। Yes, yes, I've come a long way, but what change you see in the current scenario? Changes, what I see is nowadays people are getting more attuned to digital format. और फिल्मों की इंटरेस्टिंग स्टोरीज तो खैर बनी रही हैं, अब बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं कि बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशंस भी हो रही हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और सिनेमा का मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है ऑल टाइप्स ऑफ सिनेमा। मतलब वो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती हैं वो तो होती हैं हमारे देश में, जो कि नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सिनेमा ऑल्सो। टेलीविज़न का चक्कर ये है कि टेलीविज़न वहीं का वहीं रह गया है, वो ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सिनेमा में फॉर्चुनेटली बहुत सारा काम हो सकता है। Oh yes, why not? I mean, web series is the future. It's the future. I mean, मतलब सबके घरों पे एंटरटेनमेंट हाथों में चला गया है, फिंगरप्रिंट्स पे एंटरटेनमेंट चला गया है, इट्स द फ्यूचर। बट मेरे ख्याल से बड़े पर्दे का मजा बड़ा पर्दा है, you know? उसको आप छोटे से पर्दे या रुमाल पे देख नहीं सकते। जो चीज़ आप बड़े स्क्रीन पे चादर पे देख सकते हैं, वो रुमाल पे नहीं देख सकते। Okay, the last one. Yeah. Khan is not feeling well. That's the worst news I've heard. इतने सारे लोग चले गए, इतने अच्छे अच्छे नरेंद्र झा, मतलब वो श्रीदेवी जी सारे के सारे, पता नहीं ऊपर वाले का क्या कर्म हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री वालों में। और अब इरफान की न्यूज़ सुन के तो आई एम शैटर्ड। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इरफान को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, क्योंकि इरफान की बहुत ज़रूरत है अभी फिल्म इंडस्ट्री को। उस वो जिस तरह की फिल्में करता है, वो जिस तरह की उनकी एक्टिंग है, उन्होंने एक हॉलीवुड स्टाइल ऑफ एक्टिंग
वो इरफान लेके आए इंडियन इंडस्ट्री में, और वो उस तरह का सिनेमा लेके आए उन्होंने, हमारे हमारे फिल्म इंडस्ट्री को वर्ल्ड मैप पे रखने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि इरफान को जो भी उनको जो भी बीमारी है जो भी है उससे उससे बिल्कुल ठीक कर दें। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, फिल्म का नाम रहम दिल कातिल है, और संदीप कुमार जिसके डायरेक्टर है, मुकेश जी है जो प्रोड्यूसर है, और मैं उनके साथ ही हूँ। ये मेरा लड़का सिकंदर इसमें मेन हीरो के रोल में है, और जून तक रिलीज हो रही है, चार पाँच दिन की शूटिंग बाकी है अभी। शूटिंग का फिल्म का तो स्टोरी का तो डायरेक्टर साहब और यही बता पाएंगे, मेरा कोई इतना नहीं है, फिर भी एक अच्छा मैसेज है इसमें, लालच बुरी बला, लास्ट यही मैसेज है इस फिल्म का। ये एक थ्रिलर मूवी है, इसमें अच्छे सॉन्ग्स हैं, एक्शन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, जो आजकल जो चाहिए ना सब कुछ है इस मूवी में। बस मेरा एक यंग बॉय का रोल है, मतलब कि कैसे लोग भटक जाते हैं फिर कैसे समझ आती है उनमें मेरी एज के अंदर, उस पर ये मूवी है। हाँ बताया जी, बिल्कुल बताएगी कि लाइफ में शॉर्टकट मत लो, तरीके से चलो, ये मैसेज देगी। ओके, क्या एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको आपका काम करने का शाहबाज खान जैसे दिग्गज फिल्म का हिस्सा? मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा शाहबाज सर के साथ काम करके, पूरा स्टाफ भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्यों वो आए फिल्म का हिस्सा बने? यार इस मूवी के अंदर एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, जो चाहिए तुमको सब कुछ है भाई, क्यों नहीं आओगे देखने? थैंक यू। क्या खास ऐसा है फिल्म में जिसलिए आप फिल्म का हिस्सा बने, आपने प्रोड्यूस किया फिल्म? मेरी ये पहली बात, मेरी दूसरी पिक्चर है, पहली पिक्चर मेरी का नाम है आखिरी सौदा द लास्ट डील, ये 2016 में रिलीज हुई है, ये मेरी दूसरी पिक्चर है। ऐसे में पहले आज से 10 साल पहले राजेश खन्ना के साथ सीरियल बनाया था करम क्षेत्र, उसके पहले भी 5 साल पहले अरुण गोविंद सुधा चंद्र इनके साथ सीरियल बनाया था, लेकिन रिलीज हुआ, मेरी पहली पिक्चर रिलीज हुई है जिसका नाम है आखिरी सौदा द लास्ट डील। ये सेकंड पिक्चर है रहम दिल का, इसकी सिर्फ 5 दिन की शूटिंग बची है, मैं जून में ये पिक्चर लेके आ रहा हूँ। ये मैंने आउटडोर में अजमेर में किया है, सूरत में किया हूँ, बॉम्बे में किया हूँ, बहुत अच्छे लोकेशन है, बहुत अच्छे गाने हैं इसमें, मुग्धा जी हैं, जुबेर के खान हैं, असरानी जी हैं, शाहबाज खान जी हैं, सिकंदर खान है, अनुप्रिया लड़की है, और सिराज भाई मेरे साथ जुड़े हैं, और अभी व्यास जी मेरे साथ जुड़े हैं, अर्जुन व्यास जी हैं, ये भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पिक्चर में। तो हम सब मिलकर ये पिक्चर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने की तैयारी है, और बहुत जल्दी जिस दिन इसकी मेरी शूटिंग खत्म होगी तीसरी पिक्चर लॉन्च करते जा रहा हूँ, तीसरी पिक्चर बहुत जल्दी, उसमें भी बड़े बड़े एक्टर। क्या खास है फिल्म में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग आएँ और सिनेमा का हिस्सा बने, अनगिनत फिल्में आती हैं एक साल में बॉलीवुड की, अगर इस फिल्म में सब कुछ चीज़ देखने को मिलेगी, एक्टिंग के एक्टर दिखेंगी, मसाला दिखेगा, सॉन्ग दिखेंगे, सबसे अच्छे इसमें सॉन्ग दिखेंगे आपको, कुमार सानू का जो सॉन्ग है वो दिल को छूने जैसा सॉन्ग है, आपको पुरानी याद एकदम नई ताजी याद करेगी, और जावेद का भी बहुत अच्छा रोल है। आप इस फिल्म को इंतजार कीजिए, जब आवे आप जरूर देखिए और जरूर देखिए। ओके सर, आज कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूँगा? ये मेरा आइटम सॉन्ग डब कर रहा हूँ, मैंने पहले इसको किया था, मैं अभी आज आइटम सॉन्ग का डबिंग कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े पैमाने पर आइटम सॉन्ग करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे साथ और भी कोई लोग जुड़ रहे हैं, तो आइटम सॉन्ग बहुत अच्छे पैमाने में करने जा रहा हूँ, और आइटम सॉन्ग के लिए कोई आइटम जल्दी अभी तक 2-4 जन से बात चल रही है, मगर अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि कौन आता कौन नहीं आता पता, बातचीत चल रही है, लेकिन जो भी आएगी बड़ी आएगी। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों वो आए और फिल्म का हिस्सा बने जब भी फिल्म रिलीज होती है? नहीं, हम चाहते हैं कि आइटम सॉन्ग ऐसा होता है कि आइटम सॉन्ग देखने के एक अलग, उनकी एक अलग ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ आइटम सॉन्ग एक अच्छी से अच्छी हीरोइन है, अच्छे से अच्छे लोग हैं और अच्छी चीज़ करो। क्या राखी सावंत को प्लान? नहीं नहीं, राखी सावंत है, कोई भी है, मैं भी वो भी है, यादगार रहेगी, पाँच छः नाम है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जो जब हो जाएगा उसी टाइम मैं शर्मा जी को बता दूंगा, फिर मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। इसमें कवाली भी बहुत जानदार है, अजमेर में करीब 30 साल के बाद में पहली कोई कवाली जो है जो शूटिंग हुई उसकी। ओके सर, ये फिल्म की हाईलाइट ये है कि हमने एक बेहतरीन गाना अजमेर में ख्वाजा के दरबार में जावेद अली का गाना पिक्चराइज किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इसमें हमने खास कवाल लोगों को मुजफ्फरनगर से बुलाया भी था, और वो हमारी फिल्म की हाईलाइट है, जो भक्ति भावना को इतना अपने गाने में दिखाया, ये बात है। प्लस दूसरी बात, ये कहानी का जो सारांश है मेन, जिसके लिए फिल्म बना रहे, हर फिल्म में एक मैसेज होना चाहिए,
کمرشیل جامعہ میں ہم نے دکھایا ہے کہ لالچ بری چیز ہے، لالچ سے دور رکھو، لالچ آپ کو ایک دن ضرور برباد کرے گا، اور وہ اپنے پکچر میں دکھا دیا لالچ کتنی بری چیز ہے۔ اوکے، اپارٹ فرام دی سوشل میسج ایز یو سیڈ اس رائٹ ناؤ، واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ یو تھنک بینگ اے ڈائریکٹر مطلب؟ دیٹ از دی ریئلائزیشن دیٹ فار دی سیک آف منی، جیسے انگریزی میں کہاوت ہے دیٹ گاڈ ہیز گیون انف فار اے مینز نیڈ بٹ ناٹ فار ہز گریڈ، وہی ہم نے کہانی کا ہماری سارانش ہے کہ ایک آدمی دولت کے لیے اپنے بھتیجی کا بھی مرڈر کر سکتا ہے اور وہ اس کو پشچاتاپ ہوتا ہے، اٹ میں ہائی لائٹ ہے یہ میں نے کیا کیا ہے، جس بچی کو پال پوس کر بڑا کیا، آئی ہیو ڈن اے رانگ تھنگ۔ بیسک موٹیو از دیٹ، آج کے دور پہ کیا لوگ صرف پیسہ 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 کہیں سے بھی، اب نیرو مودی کا کیس دیکھ لو، بھگوڑا بن گیا وجے مالیا، تاکہ بھگوڑا نہ بننا پڑے، جو کماؤ لیجیٹیمیٹ کماؤ، لیجیٹیمیٹ طریقہ سے جیو، دس از دا بیسک موٹیو۔ Okay, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of the program? Be of the part of me, two reasons. One, you get the entertainment value. Basically, young crowd ke picture hai. Young crowd ke picture. At the same time, you take home a message. Message yehi hai, ke bhaiya, saaf sutra zindagi bitao. Mahatma Gandhi banne nahi bol raha ho, na Mother Teresa banne bol raha ho. Lekin ek modern, achhe aadmi ban ke dikhao. And don't be greedy. Stay within your limitations. Jitna bada chadar hai, usse phailane ka koshish mat karna, nahi to gadbad ho jayega. Thank you so much. Thank you everyone.